नहीं है, अगर हिम्मत है तो चुनौती दे रहा हूँ, नीतीश कुमार जाके लड़ ले बनारस जाके। नमस्कार, देख रहे हैं आप सभी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कल 19 दिसंबर है, इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक से पहले ही बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बता दें आपको कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होनी है, सीट शेयरिंग और संयोजक बनाने को लेकर भी बात बन सकती है। लेकिन उससे पहले ही अपोजिशन पार्टी इंडिया गठबंधन पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक साथ एकजुट हो रहे हैं और कोई इनका मकसद नहीं है, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए एक साथ हो रहे हैं। अगर इनमें हिम्मत है तो बनारस से चुनाव लड़ के दिखाए। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं को चुनौती देते हुए नजर आए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आपको हम वो सुनवाते हैं। अगर किसी में इंडिया गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले, चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो। अरे ये सब आईवास है, अपने स्वार्थों के लिए, अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए गठबंधन कर रहा है। सर नहीं, अगर हिम्मत है तो चुनौती दे रहा हूँ, नीतीश कुमार जाके लड़ ले बनारस जाकर। इंडिया गठबंधन के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं तो वो लोग कोशिश कर ले और बनारस से चुनाव लड़के दिखाएं, अगर जीत जाएंगे तो फिर हम मान जाएंगे। इसी के साथ साथ इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक साथ हो रहे, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए एक साथ हो रहे, इस बैठक से कुछ होना जाना नहीं है। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आए बैठक को लेकर, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।